Assalamualaikum friends, सबा के साथ आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक में। इतने टाइम हो गया, बच्चे बेचारे घर में घबरा गए, हर तरफ कोरोना वायरस का खौफ है, लेकिन सोचा कि आज हिम्मत करेंगे और निकल ही जाएंगे। हम जा रहे हैं हॉक्सवे की तरफ क्योंकि बच्चों को पानी का व्यू बहुत पसंद है और बच्चों को नहाने में बहुत ही मज़ा आता है। मौसम भी आज खुशगवार हो रहा है। मानसून की बारिशों की वजह से तो शहर का बुरा हाल ही हो गया था, मगर अब रोड साफ है और ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हम कहीं जा सकते हैं। आज हमने वहाँ पे कुछ स्पेशल प्लान किया है खाने के लिए। खाना लेकर जाना तो बहुत ही आसान था तैयार, लेकिन हमने सोचा कि कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ अच्छी सी इन्जॉयमेंट करेंगे। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या सोचा है। ये है मसाला लगी हुई चिकन, जिसको आज हम ज़मीन के अंदर आग लगाकर बनाने वाले हैं। जी बिल्कुल सही, मदफून। इस तरह की मदफून आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे अच्छे एटमॉस्फेयर में जब पानी हो, सामने ठंडी हवा हो और अपने हाथ से हम जब चिकन बनाएं तो उसका लुफ्त कुछ और होता है। इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स भी साथ में डाल रही हूँ ताकि ना मुझे रोस्टेड जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो मुझे बहुत ही मज़े की लगती हैं। चिकन पे मैंने मसाला लगा लिया है और अब जो हमारे घर के जेंट्स हैं वो इसमें मेरी हेल्प करा रहे हैं। अब हम कुछ वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, इसके बाद फिर हम जाएंगे आग लगाने की तरफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स को भी मसाला लगाया जा रहा है और उसको एक फॉइल पेपर के अंदर हम बंद कर देंगे ताकि मुर्गी कहीं से काली ना पड़े और कहीं से जल वल ना जाए। इसको सेट कर इसको बंद कर देंगे ताकि अंदर से सही से कुक भी हो जाए। और फॉइल पेपर का फ़ायदा ये है कि उससे जो चिकन गलती है ना उसका जायका ही कुछ और होता है, ज़बरदस्त। एक बार आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हाँ, आग लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है ऐसी जगहों पर जहाँ हवा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इन्जॉय आप बहुत करेंगे। अब चिकन को मसाला हमने लगा लिया है, उसमें वेजिटेबल्स भी डाल दी हैं। वेजिटेबल्स भी मैंने डाली है शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और आलू। आलू हर जगह रोस्टेड, आलू की तो कुछ और ही बात होती है, और आलू के बिना तो मुझे कोई भी डिश अच्छी लगती ही नहीं है। आलू से मेरा कुछ ज़्यादा ही दोस्ताना है। अब सारी वेजिटेबल्स हमने अंदर डाल दी है और अब हम इस चिकन को फोल्ड कर देंगे और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे आग लगाने का प्रोसेस। आग के लिए हमने ज़मीन में पहले एक गड्ढा खोद दिया है और उसमें हमने कुछ झाड़ियाँ लकड़ियाँ डाल दी, उसको फिर हम आग लगाएंगे। फिर उसके अंदर हम ये फॉइल पेपर के साथ चिकन रखकर उसको ऊपर से सही से पत्थर लगाकर बंद कर देंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि ये सब कुछ फॉइल हो गया है, हमने इसको अच्छे से लपेट दिया है। सामने पानी का मंज़र नज़र आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं मेरे फेस पर आ रही हैं, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऐसे यहीं पे बैठ के कुकिंग करूं और पानी का और खाने का मज़ा लूं। इस चिकन को बन जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा बस चलता तो मैं आपको ट्राई भी करवाती, लेकिन ये ट्राई करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही बनाना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से इसलिए पैक किया है ताकि हवा कहीं से बाहर ना निकले और जो अंदर स्टीम बनेगी वो ख़राब ना हो जाए। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ जब हम इस चिकन को बाहर निकालने की सोच रहे हैं। हमने इसको दो तीन बार निकाल कर ट्राई भी किया था कि कहीं ऐसा ना हो अंदर से ही जल जाए या आग बुझ जाए या ख़राब हो जाए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि बहुत गर्म थे पत्थर और मुझे तो लग रहा था कि कहीं हाथ ही ना जल जाए, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बड़ा इन्जॉय किया, आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे। अब ये देखें, चिकन बाहर आ चुकी है, फॉइल पेपर ऊपर से बिल्कुल काला हो चुका है, लेकिन चिकन अंदर से बिल्कुल ज़बरदस्त है। अभी जब ये खुलेगी तो आपको नज़र आएगा कि ये कितनी टेस्टी बनेगी, मज़ा ही आ जाएगा इसे देखकर। ऐसी जगहों पर हवा बहुत चलती है, ओह माय गॉड, एक तो मट्टी ऊपर से हवा, लेकिन कोरोना के माहौल के बाद ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो गया और हमें कुछ नया करने के लिए भी मिल गया। चलें, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और चिकन अब खुलने वाली है। अब आप देखिए कि चिकन कैसी दिखती है, मैंने तो इसे इंजॉय किया है बहुत ही ज़्यादा।
ये देखें, जब फॉइल पेपर हटा तो अंदर से ना चिकन रेडिश हुई है, ना काली हुई है, ना इसका रंग ख़राब हुआ है, बल्कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। और हमने मुर्गी बिल्कुल फुल चरगे स्टाइल की ली थी ताकि इसे खाने में हमें मज़ा आ सके, और टुकड़े होते हैं तो वो फिर थोड़ा जल्दी से भी गल बल जाते हैं, तो इसलिए हमने पूरी पूरा का पूरा फुल चिकन का पीस लिया है। ठीक है, ये देखें आप, खुलना शुरू हो गया है। अब हमने इसे चेक भी किया कि कहीं सही पका है या नहीं पका है, तो ये देखिए, जब मैंने इसकी लेग को उठाने की कोशिश की थी हमने, तो इसकी लेग पूरी हाथ में आ गई, ज़बरदस्त यम्मी। ये देखें पानी का नज़ारा, इतना खूबसूरत मौसम था और इतना खूबसूरत पानी था कि ज़बरदस्त, मुझे तो मज़ा ही आ गया। और बच्चों ने तो बहुत ही इन्जॉय किया, बस थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ना पानी बहुत ज़्यादा ही तेज़ था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे अल्लाह ना करे कुछ मसला वसला ना हो जाए। इस तरह के पिकनिकों में अक्सर हादसे भी बहुत हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा एहतियात तो करनी पड़ती है, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। अब आप देखें, बच्चों ने इससे आज इस पिकनिक में मिट्टी से भी बहुत इन्जॉय किया है। बच्चों को मिट्टी के घर बनाने का बहुत शौक़ है। पानी में नहाने के बाद बच्चों ने ज़िद की, तो मैंने कहा चलो बच्चों आ जाओ, अब मिट्टी से भी थोड़ी देर खेलते हैं। फिर हमने कुछ देर मिट्टी के साथ खेला, कुछ घर वर बनाए और फिर हम अपने घर की तरफ चले। अल्लाह हाफिज़।